हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं देसी फ्रेंड्स वर्सेस मॉडर्न फ्रेंड्स। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो को एम करती हूं 85,000 लाइक। तो चलिए देखते हैं। यार रिया, चलना हम बाहर चल के कुछ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। बाहर? वो भी अभी इतनी धूप में खेलने जाऊं? नहीं यार, तुझे जरा भी फिक्र नहीं हमारे स्किन की। हाँ यार, वैसे तू सही बोल रही है। तो फिर क्या करे, तू ही बता। मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, और उसके बाद कहीं हमारी वीडियोस वायरल हो गई तो हम लोग तो फेमस हो जाएंगे और हमारे कितने सारे फैंस होंगे। ओ वाओ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। यार हम दोनों फेमस हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा, हमारे फैंस होंगे। ओ लाला, चल तू अपने फोन से मेरी वीडियो ले यहीं पर। चल अब तू रेडी है ना, स्टार्ट। हाँ परफेक्ट हो गई ना, बहुत अच्छी वीडियो आई है रिया। तो अपनी वीडियो देखकर ना खुश हो जाएगी। अब देखना प्रीति, हमारी वीडियोस ना वायरल होंगी। चल अब तू इधर आ जा, मैं तेरी वीडियो शूट कर देती हूँ। हाँ हाँ, तेरे जैसा यार जहाँ। चिंकी चल बाहर चलकर कुछ खेलते हैं, कितना टाइम हो गया हम लोगों ने पिट्टू नहीं खेला और पकड़म पकड़ाई भी नहीं खेली, चल आज खेलते हैं। यार मैं चली तो जाती बाहर, लेकिन मम्मी ना मुझे जाने नहीं देंगी, वो बाजार गई है ना। तो मैं अगर घर से चली गई तो वो बोलेंगे कहाँ चली गई चिंकी, उन्होंने कहा है घर से बाहर नहीं जाना, इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुला लिया कि हम लोग घर में ही कुछ खेल लेंगे। फिर क्या करें हम लोग, लूडो खेलेगी? लूडो से पहले हम चिड़िया उड़ी खेलेंगे। ठीक है, चिड़िया उड़ी। चिंकी उड़ी? चिंकी उड़ गई? चिंकी उड़ती है? तूने बताया नहीं चिंकी, तू उड़ती भी है। पूजा उड़ी? ओह नो, तूने भी तोड़ा लिया। पूजा उड़ी, उड़ जा उड़ जा। हम दोनों ही उड़ते हैं। चल आज आप लूडो खेलते हैं, मैं लेकर आती हूँ अभी। हाँ हाँ जा, तू लेकर आ, मैं ही जीतूंगी। तेरे बिना तो ये पार्टी अधूरी थी बिल्कुल। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुझे हजारों साल। अब जल्दी से खोल और मुझे बता तुझे कैसा लगा मेरा गिफ्ट। अभी देखती हूँ। आईफोन, तूने मेरे बर्थडे में मुझे आईफोन दिया? यार तू मेरे दिल की बात कैसे समझ जाती है। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। मुझे तो पहले से तेरी पसंद पता थी और मैंने तेरा फेवरेट कलर चूज किया, अच्छा लगा ना तुझे? हाँ यार, तेरे बिना मैं कभी नहीं रह सकती, सच में बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आखिर तेरी फ्रेंड जो हूँ मैं, दिल से दिल का रिश्ता है। तेरे जैसा यार जहाँ। हैप्पी बर्थडे चिंकी। थैंक यू, तुझे पता है मैं तेरे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, जल्दी दे। हाँ हाँ ले। वाह क्या है इसके अंदर, ये तो बहुत भारी लग रहा है, जल्दी से इसे खोल कर देख और मुझे बता तुझे कैसा लगा मेरा गिफ्ट। ये तो आम है। हाँ आम का मौसम है तो आम से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। मेरी मम्मी खास तेरे लिए गई थी सुबह सुबह आम लाने, उन्होंने कहा कि चिंकी को ना तोहफे में यही देना, इसको ना काट कर अच्छे से खाना और इसका जूस बना कर भी पीना। मुझे तो लगा था तू कुछ और लेकर आएगी और तू ये आम लेकर आ गई। तेरी इतनी खास दोस्त होने का ना कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, बाकी सबने मुझे कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए और एक तू आम लेकर आई। चिंकी सुन, लगता है इसे कुछ और गिफ्ट देना होगा। और बता अंकल आंटी कैसे हैं? हाँ हाँ मम्मी पापा तो ठीक है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है, पागल है क्या, चल बैठ। अरे नहीं प्रीति, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, खाना तो तुझे पड़ेगा ही, रुक जा मैं भी लेकर आती हूँ। ये दिया भी ना। चल अब खा, पहले तू तो ले। मैं खा रही हूँ ना, मैं ले लूंगी ना, तू तो पहले खा। अरे तू ले ना। अच्छा ठीक है, तू ना बहुत जिद्दी है। वाह
बहुत यम्मी है यार। हाँ मम्मा ने बनाया है। कोल्ड ड्रिंक तो ले। गर्मी में कोल्ड ड्रिंक मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। और तूने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं ली ये तो बता। अरे यार कल रात से ना मुझे कोल्ड हो गया है। अच्छा था फिर तो ठीक है। तेरे जैसा यार कहाँ। हाँ पूजा बता क्या बात हो गई। अभी सुबह ही तो हम लोग मिले थे। कुछ काम है क्या। हाँ यार बहुत जरूरी काम है। मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से जा अपनी मम्मी के पास और उनसे बोल कुछ खाने के लिए दे मुझे जल्दी से। अच्छा समझ गई। रुक जा अभी लाती तेरे लिए कुछ खाने के लिए। कितना खाती है ये लड़की। वाह दही बड़े। आज मम्मी ने दही बड़े और पकोड़े बनाए हैं। सुखा कर देख कैसा है। तेरे घर का खाना तो सबसे अलग होता है। बहुत टेस्टी था ये तो। अपनी मम्मी से कुछ और भी बनवा कर लिया। मेरा पेट ना अभी भी नहीं भरा। बहुत देर से कुछ नहीं खाया था ना इसलिए थोड़ा और खाऊंगी ना तो भर जाएगा। ठीक है बोलती हूँ। लेकिन तुझे ना मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ। थोड़ा कम खाया कर। बहुत मोटी होती जा रही है तू। देख मैं तेरी इतनी अच्छी दोस्त हूँ ना इसलिए तुझे बता रही हूँ। दिल पे मत लगाना इस बात को। हाँ हाँ नहीं लगाऊंगी दिल पे। अभी तो फिलहाल जाओ और खाने के लिए लेकर आ मेरे लिए। हाँ भाई ला रही हूँ। यही का खाना खाकर तो मेरा पेट भरता है। ये लीजिए मैडम पिज्जा। पिज्जा खा रही हूँ ना तब तक तू कुछ और भी बनवा के ले आ। अगर तुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद है ना तो तू उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सबसे पहले। ये जो तू चीजें खाती है ना मेरे घर पे इन सारी चीजों की रेसिपी मेरी मम्मी शेयर करती है YouTube पर। तो उनकी वीडियो देखकर तू खाना बनाना सीख ले। और ये जो सारी चीजें तू यहाँ खाती है वो अपने घर पे बनाकर खाना। चैनल का नाम क्या ये तो बता। कुक विद नगीना। कुक विद नगीना तो मैं अभी सब्सक्राइब करूंगी। और उनकी वीडियो देखकर मैं मम्मी को बोलूंगी कि मेरे लिए भी वो सारी चीजें बनाए। हाँ तो देर किस बात की। जा अभी बोल आंटी से जाकर। हाँ हाँ अभी जाकर बोलती हूँ। लेकिन ये पिज्जा ले जाऊँ। हाँ हाँ ले जा ये भी कोई पूछने वाली बात है। सारी चीजें तो तेरी है। ठीक है थैंक यू बाय। मम्मी को बोलूंगी रेसिपी देखकर मेरे लिए भी खाना बनाए। गई मुसीबत। मेरे घर का राशन तो यही खत्म करती है। यार तुझे क्या हुआ। तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। यार प्रीति तुझे पता है आज ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है अपने फ्यूचर को लेकर। हाँ यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कल हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कहाँ पढ़ना है कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छी होगी वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन मैंने ना न्यूयॉर्क की कुछ यूनिवर्सिटीज में ना एप्लीकेशन दिया है। अब देखो उसमें मेरा एडमिशन होता है या नहीं। मुझे लगता है किसी ना किसी एक में तो हो ही जाएगा। अच्छा सही है यार। तो एक काम करती हूँ मैं। जहाँ तूने अप्लाई किया है वहाँ मैं भी कर देती हूँ। हमारा साथ तो हमेशा ही रहेगा ना। जिस यूनिवर्सिटी में तू जाएगी वहाँ मैं भी रहूंगी। हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। जहाँ तू वहाँ मैं। और कितना मजा आएगा ना। हमारी स्कूल लाइफ भी साथ में थी और कॉलेज लाइफ भी साथ में ही होगी। कितने मजे करेंगे हम लोग। हाँ हाँ ये तो ग्रेट आइडिया है यार। बहुत मजा आएगा। हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे साथ। मैं आज ही मम्मा से बोलूंगी। हाँ हाँ तू आज ही आंटी से बात कर ले। प्रीति और रिया की जोड़ी कभी नहीं टूटने वाली। ये तेरे जैसा यार कहाँ। क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा फ्यूचर का। आगे क्या स्टडी करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन करूँगी कुछ तो अच्छा ही करूँगी। बहुत टेंशन हो रही मुझे तो। चिंकी अंदर आ जाऊँ। तू क्या कर रही है इधर। आजा आजा। अरे एक बात बता तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। अरे यार बस फ्यूचर स्टडीज के बारे में सोच सोच कर ना टेंशन हो रही है। तू ना टेंशन मत ले सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा इसका मतलब तेरा सब कुछ सेट हो गया। तुझे एडमिशन मिल गया क्या। हाँ हाँ सब कुछ सेट हो गया यार। मेरी शादी तय हो गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुझे पता है लड़के वाले ना बहुत ज्यादा रईस है। उनके पास ना 10 बैल और 5 देसी गाय है और तो और 2 ट्रैक्टर भी है और 50-60 तो उनके खेत हैं। और सुनेगी तो सुन 100 बकरियां भी हैं और तो और 300 मुर्गियां भी पाल रखी हैं।
देख रही है कितने अमीर है वो लोग। मेरी तो लाइफ सेट है भैया, क्या किस्मत पाई है मैंने। रोज सुबह देसी गाय का दूध पीऊंगी। तू ना टेंशन मत ले, मैं ना तेरे लिए भी अपने जैसा लड़का ही ढूंढ कर दूंगी। फिर हम दोनों साथ साथ जाएंगे बकरियां चराने खेतों में, और फिर वहीं बैठकर गप्पे मारेंगे। सोच हमारी लाइफ कितनी हसीन होगी, कितनी एक्साइटिंग होगी। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तू भी जा, मैं भी जा रही हूँ। अरे अरे रुक तो सही। चल ठीक है, मैं तुझे 300 बकरी वाले से शादी करवाऊंगी, जो मेरे होने वाले पति से भी अमीर होगा। अच्छा चल, उसकी 200 गाय होंगी। ये ऐसे क्यों कर रही है, दरवाजा भी बंद कर दिया। चलो चलती हूँ। वो क्या मुझे अपने जैसे समझती है, पागल तो नहीं हूँ मैं, जो भी शादी कर लूंगी। शिट यार, मेरा फोन फिर से ऑफ हो गया। इसकी तो प्रॉब्लम ही अलग है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे अरे रिया, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती है? तू परेशान मत हो, मुझे दे फोन, मैं देखती हूँ। ये ले, अभी ठीक करती हूँ मैं, देखूँ तो जरा प्रॉब्लम क्या है। हाँ तू ट्राई करके देख एक बार। ये लो, ठीक हो गया। अपडेट नहीं किया था तूने अपने फोन को कब से, और बोल रही है खराब हो गया फोन, खराब हो गया। बस एक अपडेट की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। आ यार तू तो मैजिशियन है यार, सच में तू नहीं होगी ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। थैंक यू यार, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। बॉलीवुड मूवीज नहीं देखती क्या तू भी? ना तेरे जैसा यार कहा। अरे ये फोन क्यों नहीं चल रहा, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस फोन से। अब तो मुझे नया फोन ही लेना पड़ेगा। ला मुझे दे, मैं ठीक कर। चल तू फिर ले, मेरा ठीक कर दे। अरे 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 पागल, ये क्या कर रही है? मेरा फोन तो गया। अरे इसको पटक क्यों रही है? अरे यार अपने पैर से क्यों मार रही मेरे फोन को? मेरा फोन। अरे मत कर बहन, मत कर मेरे साथ ऐसा, मेरा फोन दे दे। लगता है इसके अंदर ना कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, मेरा कचरा फोन है, ये ठीक नहीं होगा। तू एक काम कर, नया फोन ले ले। दिखा मेरा फोन। देखा तूने क्या कर दिया इस फोन को? ये तो हमेशा के लिए खराब हो गया, जितना चल रहा था वो भी गया। पूजा तू मुझसे बच नहीं सकती, तुझे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, रुक जा तू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक करिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके फ्रेंड्स देसी हैं या मॉडर्न। और इस वीडियो को मैं एम करती हूँ 85,000 लाइक। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि 85,000 का एम पूरा हो जाए। और कल आ रहा है मेरा न्यू ब्लॉग दोपहर 2 बजे, तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग जाकर सब्सक्राइब करिए समरीन अली ब्लॉग, और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।